सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम आर ब्लॉग्स पे। तो गाइस कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ और अब मैं रेगुलर जो शायद बनाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा काम पड़ जाता है, नहीं बना पाती मैं फिलहाल। तो मेरे छाले हो रहे हैं तो बोला नहीं जा रहा, तो मैं सोच रही थी कब ठीक होए कब बनाऊँ, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा तो क्या मतलब है फिर बनाने का। अरे जिम में ही हो गया तो नहीं बोला जा रहा। और मैं भी कपड़े समेट रही थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो मैं दिखाती हूँ अक्षु और ऋषि क्या कर रही है। हटा दी, फैला दी, सारा ही फैला दी। कल पहना नुआई करके, अक्षु अभी सो के, ईसु भी सो के उठी है, अक्षु भी सो के उठी है। और ईसु नहा करके बस सो गई थी, मैंने उसे चोटी भी नहीं किया, नहीं मैंने रबड़ डाला इसके सिर में, रबड़ मैंने डाल दिया था, वो खुल के पड़ गया, वो देखो काला काला है ना। ईसु हाय करो, हाय करो, हाय करो ना, बाय नहीं, बाय। अक्षु, अक्षु ओ कालू, मैंने कपड़े समटे हैं, मैंने दो बार कपड़े समट दिए और दोनों बार फैला चुकी है ये। अब जाके मैं अलविना में रखूंगी। ये देखो अक्षु कैसे कैसे कर रही है, ये देखो अक्षु, आओ, पूरे बेड पे चक्कर मार जाती, पूरे बेड पे। अक्षु पहले बैठी रहती थी, पड़ी रहती थी, सॉरी बैठी पड़ी रहती थी, और अब देखो। सो गए, चलो चलते काम करेंगे। और देखते मुझे क्या करना, अभी तो करना है गोबर उठाना है, बाहर वो अक्षु के थोड़े कपड़े साफ करने, धो के लाऊंगी मैं। सो गाइस मैं अब जा रही हूँ बर्तन धोने, बर्तन साफ करूंगी और मैं गोबर फेंकना है उठा के, मतलब पोता नाकना है। और आप लोग देख सकते हो बैठ गई कितनी बुरी हालत हो चुकी है, और वो गोबर उठा के भगा के आऊंगी, फेंक के आऊंगी। तो उसके बाद मैं बेड सेट करूंगी, क्योंकि बाहर का काम कर जाते हैं तो दूध वाला आ जाएगा, तो दूध भी निकालना है। मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग के अंदर, बने रहे लास्ट तक। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ बाहर और गोबर भरना है। मैं ये पहन करके गोबर भगाती हूँ, मुझे ऐसे हाथों से नहीं भगाती, मेरे को सूख आती है, घिन आती है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, शायद हो सके तो बरसात भी आ सकती है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हो मौसम कितना सुहावना हो रखा है, सब बहुत ही ज़्यादा। हमारी गाय है, हमारी भैंस चारा खा रही है, देखो गोबर पड़े है, मुझे उठाना है ये। और ये ईटे पीछे का मकान जो हमने आपको बताया था कि टूट रहा है, मतलब टूट गया है, देखो देखो टूट चुका है ये। हमारी छत है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो चलो देखते हैं काम करके फटाफट। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, thank you।
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आ जाओ चलो चलते हैं, अब दूध निकालते हैं, दूध वाला गया तो दूध निकाल रहे हैं। अक्षु बैठने लग गई है, अक्षु देखो अक्षु को, आहा अरे 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 अक्षु मैं दूध निकाल के आई हूँ, हमने देखा अक्षु यहाँ पे खेल रही है, रो भी रही है, काम करना है 5 बजे। निवेड़ बेड़ साफ भी कर लिया है, ईशु बहुत ज्यादा गंदा कर देती है, सारी रजाई को गिरा देगी, तकिया गिरा देगी, झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है मैंने। ईशु का बर्थडे का है ये स्टिकर। सो मैं बना रही हूँ अब खाना, और भी चूल्हे पे, आपको पता है मैं तो चूल्हे पे ही बनाती ज़्यादातर, और ईशु को मैं बता रही हूँ, देखो अक्षु क्या कर रही है। अक्षु को देखो इतने सारे सब कुछ आगे पड़ रखा है खेलने के लिए, और मैं थैली भी दे रखी हूँ, खिलौने भी दे रखी हूँ, लेकिन ये पड़ता है यहाँ पे, उसको खींचती 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 भिंडी और प्याज वाली टोकरी यहाँ लेकर चली गई। देखो अब क्या उठाइए, अक्षु अक्षु इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो 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 कालू, अब आई हुआ आवड़ी, ऐसे बोला भी नहीं जा रहा, ये पीछा कब छोड़ेंगे, छाले छाले छाले। तो मैंने दूध गर्म कर लिया है, और इसमें मैंने कांदा मतलब प्याज उबालने के लिए रखा है राबड़ी बनाने के लिए। अब मैं बना रही हूँ भिंडी और प्याज की सब्जी, और उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। और ईशु गई है उधर खेलने, उसको मैंने भेजा ज़बरदस्ती, क्योंकि उसको फिर खेलने नहीं देती वो, इसे कभी मुँह में हाथ में नाक में उंगली करती रहती है, और बना देते जल्दी जल्दी, नहीं तो इसका भी कोई पता नहीं, अभी खेल रही रोने भी लग जाए, अभी रोने का मूड है, रो भी रही है खेल भी रही है, तो चलो काम करते हैं फटाफट। अक्षु क्या कर रहे हो, मेरा काम करा रहे हो, मेरा काम करा रहे हो, अच्छा ले क्या हो गया है, मैं तो बोला नहीं था बिल्कुल भी। ओहो अक्षु छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपको ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने को मिलेगा। और मैं इसलिए भी बना रही थी, कहीं जाना भी नहीं होता, और घर में भी वीडियो कितना बना सकते हैं, इंसान देखते देखते बोर हो जाए, कहीं आ जाना भी नहीं हो पा रहा, पहली बार तो टाइम ही नहीं मिलता दोनों बच्चों के चक्कर में, घर के काम में टाइम नहीं मिल पाता, कभी ये कभी वो कभी ये, इसलिए नहीं बना पाती, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो कोई घर वाले भी मना नहीं करते हैं, बट अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है मना क्या करेंगे, जैसे फिर भी मना नहीं करते, उन सबको लगभग पता है कि मैं बनाती हूँ, दूसरे भले बातें बनाते हैं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे दूसरा थोड़ी कोई हेल्प करता है किसी चीज़ में, हम हेल्प कर दे लेकिन लोग नहीं करते हैं, और हेल्प करने के बाद भी दुश्मन बन जाते हैं हम।
इसी बीच में एक घटना हुई थी मेरे साथ, मैं शेयर करूंगी आपके साथ बट अभी नहीं, एक दो दिन बाद। बहुत ही बुरी, जिसके बाद मैंने सोचा कभी भी किसी को हेल्प नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ में भी नहीं। भरोसा टूट गया मेरा, मैं कभी भी किसी की हेल्प नहीं करूँ। लोगों को अपने काम से मतलब रहता है, काम से काम निकला तो फिर कौन सा रिश्तेदार, कौन सा दोस्त, कैसा क्या, तो कुछ नहीं पता चलता। तो कितनी पुरानी भी यारी क्यों ना हो, लेकिन अपने काम से मतलब रहता है। पर कोई बात नहीं, सबका दिन आता है, आज उनका है तो कल हमारा भी आएगा। मुझे इंतजार है बस उस दिन की, जिस दिन वो आ जाए बस। मैं किसके लिए बोल रही हूँ, लोग बहुत समझ गए होंगे, मेरा ब्लॉग देखते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती बट इशारा ही काफ़ी है। बट कोई बात नहीं, सबका दिन आता है। मुझे कोई फर्क नहीं करता लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, और बट ना ही मैं किसी की अब हेल्प करूंगी, कभी भी किसी चीज़ में भी नहीं। अपना काम बनता कहते हैं ना, अपना काम से मतलब देते हैं लोगों को, बस वही मैंने देखा है। और आज मेरे साथ हो चुका भी है बट कोई बात नहीं, एक बार ही होता है धोखा, एक बार ही होता है, उसके बाद भरोसा उठ जाता है। उनका क्या उठा है, मेरा सबसे पहले ज़्यादा उठा है। लोग कहते हैं मेरा भी उठ गया भरोसा, बट समय आने दो, मुझे है इंतजार समय की, तो बहुत ही जल्द आने वाली है। अगली बात किसके लिए बोल रही, वो समझ गया होगा। मैं किसी का नाम लेकर बोलना नहीं चाहती, मैं बेटू है। अक्षु, ओ अक्षु, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।